हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन सोनू किचन। और मैं आज यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी और पास्ता मिक्स। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस पे एक भगोना, इसमें डाल दिया है गर्म होने के लिए पानी, रख दिया था मैंने। तो मैंने यहाँ नमक डाल दिया है, साथ में मैं मैक्रोनी पास्ता भी इसमें डाल दिया है। तो मैं आई हुई हूँ अपने भैया के घर। तो देखिए, मेरे भैया का घर जो है यहाँ से तोड़ फोड़ करवा रखी है, यानी कि इसको दोबारा से मतलब रिपेयरिंग करवा रहा है, दोबारा से बनवाएगा इसको ये। और ये बैठी हैं मेरी दो भतीजियाँ, तो इन्हीं की रिक्वायरमेंट थी कि वो अब जो है मैक्रोनी बनाओ। तो इंतज़ार में बैठी हैं कि कब तक बनेगी। तो मैं यहाँ पर जो हूँ अभी सब्जी काट रही हूँ, शिमला मिर्च ली है मैंने यहाँ पर पतली पतली, उसमें काटूँ मतलब डालूँगी उसमें ये सब्जी काट के। और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से मैक्रोनी में। और ना डालना चाहो सब्जी तो नहीं भी डाल सकते हैं। और इधर मैंने एक टमाटर भी काट दिया था। तो मैक्रोनी यहाँ पर जो है पक चुकी हैं, उबल चुकी हैं यहाँ पर। तो मैक्रोनी पर उबालने के लिए जो है पानी काफ़ी सारा डालना पड़ता है, ताकि ये मतलब खिली खिली सी बन जाए। कम पानी डालेंगे तो चिपकी चिपकी बनती है। तो मैंने सारी मैक्रोनी इस तरह से पानी में से निकाल दी थी। और इधर कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो गर्म हो चुका था। तो जीरा डाल दिया था मैंने, और इधर मैंने जो है उसमें एक था इधर शिमला मिर्च काटी थी, वो भी इसमें डाल दी थी। और भी कुछ सब्जियां हो तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बस यही सब्जी थी तो मैंने यही डाल दी थी। साथ में डाल दिया है नमक, मिर्ची, हल्दी और जो है धनिया पाउडर आधी आधी चम्मच, क्योंकि बच्चे तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं। साथ में नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार। और इसको मैं अच्छे से यहाँ पर चला दूँगी, मिक्स कर दूँगी इसको अच्छे से यहाँ पर। तो ये खाना जो यहाँ पर जो मैक्रोनी बना रही हूँ, तो इस वक्त मेरी भाभी जो है ये ऊपर खाना बनाती हैं बरामदे में, क्योंकि अभी रसोई तो तैयार हो चुकी है, किचन तैयार हो चुका है नीचे। तो अभी उसका मतलब उद्घाटन नहीं हुआ है, तो ये कथवा बन कर आगे तभी जो है वो मतलब वहाँ पर खाना बनागी। तो इधर मैंने इसको अच्छे से चला दिया था, मैक्रोनी इसमें डाल दी थी। और ऊपर से जो है बच्चे सोया ये मतलब सॉस के पैकेट ले आए थे 3-4, तो कह रहे थे कि बुआ इसमें सॉस डाल देना, तो वो भी मैंने इसमें ऊपर से अच्छे से मिक्स कर दी थी। तो ये जो है मैक्रोनी यहाँ पर बच्चों के लिए बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये लगभग जो है 3 बजे का टाइम होगा दोपहर का, तो ये मतलब तब बनवा रहे हैं। तो मैं इस कढ़ाई को लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरे भैया भाभी नीचे रहते हैं छोटे वाले। तो देखिए, ये किचन तो मतलब अच्छे से तैयार हो चुका है बनके, पर अभी इसमें खाना नहीं बनता है। जब तक कथा और हवन नहीं होगा तब तक यहाँ पर खाना नहीं बनेगा। बाकी सामान तो रसोई में रख दिया है, बस खाना यहाँ पर नहीं बनता है। खाना ऊपर बरामदे में ही बनाती है मेरी भाभी, तो वहीं पर गैस रख रखी है। तो मैं कढ़ाई लेकर नीचे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए जो है मैक्रोनी प्लेट में। और तो इसी तरह से आज बस यही मैक्रोनी बनाई है बच्चों के लिए। तो मैं अपनी मम्मी के घर पे यहाँ पर हूँ, और एक भैया मेरे यहाँ से थोड़ा पीछे रहते हैं। वो पहले मैंने एक बार छोले भटूरे बनाए थे, तो वो वहाँ उनकी किचन में बनाए थे। तो इस वक्त मैं अपने छोटे भैया के घर में हूँ। तो ये आज की मैक्रोनी बनकर यहाँ पर रेडी है। तो यही बनाई थी आज मैंने मैक्रोनी। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इधर मेरी मम्मी सोई हुई हैं, और इनको मैं उठा रही हूँ तो उठ नहीं रही हैं खाने के लिए। और इधर बच्चे देखिए मैक्रोनी खा रहे हैं, साथ में मेरा भैया भी खा रहा है छोटा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।